और उत्तराखंड के डीजीपी बीएस सिद्धू पर एक महिला ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। उनके ऊपर इस तरह का पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी उन पर इस तरह के कई आरोप लग चुके हैं। महिला ने डीजीपी पर आरोप लगाया है कि जब वो सेंट्रल मुंबई रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थी, तब डीजीपी ने उन्हें अपने कमरे में बुलाकर उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। वहीं महिला के मना करने पर उन्होंने किसी बहाने से उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया। महिला तभी से इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। वहीं अभी तक महिला को न्याय नहीं मिलने से राज्यपाल से अपने इच्छा मृत्यु की भी मांग की है। सेंट्रल रेलवे मुंबई में आरपीएफ डिपार्टमेंट में 4-5 दिन बाद में उन्होंने अपने चेंबर में मुझे बुलाया और बुला के उन्होंने मुझे मेरे साथ में बदतमीजी करी, मेरे साथ पकड़ा पकड़ी करी। जब मैंने उनको झंझोड़ दिया तब वो मुझे मतलब बोलने लगे कि तू मेरे साथ लंच पे चलो, डिनर पे चलो। जब मैंने उनको मना कर दिया तो